सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल डीटीएस सॉल्यूशन पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपको पूरा ओपन करके मैं डीटीएच की रिपेयरिंग का समझा रहा हूँ, या जो भी आपको एक ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ ये समझ लीजिए, तो मेरे पास 3-4 दिन से कुछ अनजान नंबर से कॉल आ रही है और उनका कहना यह है कि भाई जिस तरीके से आप अपने चैनल पे इस तरह वोल्टेज दिखा के सारा कुछ ओपन करके फॉल्ट समझा रहे हैं, इस तरह समझाना बंद कर दो। कि हमने भी अपने चैनल चलाए हुए हैं, हम कभी इस तरीके से नहीं समझाते। अगर आप इस तरह समझाएंगे तो हमारे चैनल पे फॉलोअर कम हो जाएंगे या सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, या ये समझो कि भाई हमारा चैनल देखना कम हो जाएगा। तो मुझे यही कहा गया है कि आप अपने चैनल पे इस तरीके से दिखाना बंद कर दो, और अगर आप ये सब दिखाना बंद नहीं करेंगे तो आपके चैनल पे हम कोई भी इनलीगल एक्टिविटी ऐड कर देंगे, या आपका चैनल टर्मिनेट करा देंगे, या आपका चैनल बंद करा देंगे। अब अगर ऐसा होता है तो आपके और मेरे बीच में काफ़ी दूरियां हो जाएंगी, ना मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा और जो सीखा हुआ वो बीच में रुक जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी राय ये जानना चाहता हूं, अगर ऐसा हुआ तो हमारे और आपके बीच में फिर संपर्क कैसे हो पाएगा? क्या उस संपर्क को बनाए रखने के लिए मुझे कोई दूसरा चैनल भी एक्टिव कर देना चाहिए? तो इसके बारे में मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कब किस तरह की एक्टिविटी आनी शुरू हो जाए, क्योंकि चैनल भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आप सबके सहयोग से, आप सबका प्यार मिल रहा है मुझे, और जिस तरीके से मेरा समझाने का तरीका, इस तरीके से कोई भी YouTube पे नहीं समझाता। तो वही होता है, अगर कोई बंदा कुछ सीखना चाह रहा है या किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है तो उससे लोगों को दिक्कतें शुरू क्यों हो गई हैं? तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताएंगे कि मुझे क्या कोई दूसरा चैनल एक्टिव कर देना चाहिए, और एक्टिव करने के अगर एक्टिव मैं करता हूँ तो आपको उसको भी सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि उसके जरिए मैं आपसे दोबारा जुड़ सकूं। तो दोस्तों अपनी राय मुझे ज़रूर दें, मैं आपकी राय का इंतज़ार करूंगा, और अब शुरू करता हूं वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्टिंग करेंगे 6011 कार्ड से। सप्लाई मैंने ऑन कर दी है, कार्ड डेड है। इसमें हम ये पता लगाएंगे कि हमारी रैम आईसी का पता हम कैसे लगाएं, ख़राब है या सही है, और वो भी सभी वोल्टेजों को चेक करते हुए। थोड़ा गला ख़राब है इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सब वोल्टेज ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। सबसे अंदर वाली जो पिन है इस पे 3.3 वोल्ट आती है। मीटर में लगा देता हूँ तब चेक कराता हूँ। मल्टीमीटर को 200 की रेंज पे रखें। देखिए 14.7 LMB पे वोल्टेज आ रही है। 11-17 की अंदर वाली पिन पे 3.3 वोल्टेज, और ये बाहर वाली सेंटर पिन पे 1.2 वोल्टेज। उसी तरह इसमें क्रिस्टल की वोल्टेज चेक करेंगे। पहले एक तरफ 0.7 और दूसरी तरफ 0.7, ये डिजिटल मीटर में शो करेगी। और अभी क्रोम की वोल्टेज चेक करेंगे। एक नंबर पिन पे 3.3, 8 नंबर पिन पे 3.3, और 6 नंबर पिन पे
बिल्कुल जीरो, कोई वोल्टेज नहीं। आप ऑन ऑफ करके देखेंगे तब भी जीरो रहेगी। तो इस कंडीशन में इप्रोम हमारी ब्लैंक का फॉल्ट होता है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर बॉक्स से अपडेट करके देखते हैं। सॉफ्टवेयर बॉक्स की तार मैंने इसमें अटैच कर दी है और चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपना लोडर ओपन करेंगे 6011 वाला। इस 6011 वाले लोडर से आप 2022 का भी कार्ड अपडेट कर सकते हैं। कॉम पोर्ट अपने हिसाब से सेट करके अपडेटिंग पे जाके 6011 की बिन फाइल इसमें लोड करेंगे। ये देखिए 6011 ओके, ये हमने अपनी पहचान के तौर पे लिखा हुआ है। और स्टार्ट पे लाके पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे। तो इसमें प्लीज वेट का आना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं क्या इसमें फॉल्ट आता है। अब समझने की देरी है, इस तरह का फॉल्ट आएगा ये अपग्रेडिंग फेल हो जाएगी। इस अपग्रेडिंग को फेल होने का मतलब है कि आपका रैम आईसी काम नहीं कर रहा। और रैम आईसी अगर आपका ठीक है तो रैम आईसी ड्राई हो सकता है। ये नया कार्ड है, इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इसमें भी अपग्रेडिंग पे फॉल्ट है। तो पहले रैम आईसी को सोल्डर करके देखेंगे, अगर कोई एक भी पिन हमारा ड्राई हुआ तो वर्क नहीं करेगा, प्रोग्रामिंग नहीं लेगा। और सोल्डर करने के बाद भी अगर यही फॉल्ट है तो हमें रैम बदलना पड़ेगा। 99% रैम का फॉल्ट होगा। आप इस चीज को बिठा लें अपने दिमाग में। और ये नया कार्ड उतर के आया है जो मैन्युफैक्चरर उन्होंने मेरे पर भेजा है, तो इसमें डेड की कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं रैम पे सोल्डर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर रैम ड्राई होगा तो सॉफ्टवेयर हमारा अपडेट हो जाएगा। इसमें क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि रैम ड्राई अगर हुई तो प्रोग्रामिंग करते टाइम, जैसे नया असेंबल होता है सेटअप बॉक्स, तो क्या करा जाता है कि एक कार्ड से दूसरे कार्ड में चैनल लिस्ट अपडेट कर दी जाती है। तो अगर रैम आईसी इसका ड्राई होगा तो अपडेटिंग के दौरान इसका इप्रोम ब्लैंक हो गया होगा। तो इसीलिए इसने सॉफ्टवेयर बॉक्स से अपडेटिंग कैंसिल कर दी है, मतलब फेल हो गई है। तो पहले हम इसकी सोल्डिंग करेंगे, उसके बाद अपडेट करके देखेंगे। अगर रैम हमारा सही हुआ और ड्राई हुआ तो ये अपडेट हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर हम इसमें रैम बदलेंगे। 99% रैम का फॉल्ट होता है। तो अपडेट मैं करके देखता हूं। यही छोटी छोटी बारीकी इसमें समझने की जरूरत पड़ती है। अपग्रेडिंग इसमें शुरू हो चुकी है, यानी हमारी मेहनत इसमें बिल्कुल ओके सही जगह पहुंची है कि रैम ही इसमें ड्राई थी। और मैं कैमरा आपको पैनल की तरफ भी कर दूं, जैसे ही प्रोग्रामिंग ओके हो जाएगी पैनल पे हमारे पे ऑन हो जाएगा, और कार्ड हमारा ऑन हो जाएगा, पैनल पे ऑन की डिस्प्ले आ जाएगी। तो ये भी फॉल्ट होता है। अगर इस तरीके से ये नहीं ऑन होता तो हमें रैम बदलना इसमें पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई फॉल्ट आए तो आप रैम ज़रूर बदल के देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तभी आप समझ पाओगे। वोल्टेज मैंने दिखा दी, किस तरीके से आप इप्रोम पे देख पता लगा सकते हैं कि वोल्टेज कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही, रैम का फॉल्ट कहाँ मिलेगा। तो अपग्रेडिंग हो चुकी है और पैनल देखिए हमारा ऑन की डिस्प्ले आ चुकी है। अब इसको टीवी पे भी डिस्प्ले इसकी देख लेंगे। जबकि मैंने ये बताया था कि रैम का पता कैसे लगाएं खराब है या सही है, लेकिन अगर रैम सही है तो उसको बेफजूल में या बिना वजह बदलना सही नहीं है। तो टीवी पे डिस्प्ले आप देख लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह वोल्टेज वगैरह चेक करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं
कि हमारा रैम आईसी खराब है या नहीं है। हाँ, सबसे पहले ये ज़रूर देखें दबा के उसको ऑन करके कि कहीं ड्राई तो नहीं है। अगर रैम आईसी ड्राई होगा तो बदलने में भी टाइम वेस्ट होगा और एक सही रैम आईसी हम बिना वजह बदल देंगे। अगर कोई 60 गैर का कार्ड मुझे ऐसा मिला जिसमें रैम आईसी ड्राई ना होकर ख़राब ही हो तो वो भी आपको किसी न किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।